इतनी ठंडी समझ जाएगी, देवता भी पानी से परेशान है। तो अपंग आदमी भी स्कूल वाला कुआं से पानी लेके आऊं, सोगंधा खाई डी तुलसी जी का हाथ लगा के सोगन खा गया कि मैं करवा दूंगा पानी का काम, जीतता ही करा दूं, लेकिन वह वादा भी तो पूरा तो होया को नहीं। सिहाग बाइक रेंटल पेश करे है झलको झुंझुनू शो। राम राम जी, मैं खुशबू, झलको झुंझुनू पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ टिटनवाड़े गांव में, जो टिटनवाड़े गांव में ही बलवीर जी वाल्मीकि के घर आज आप आया हाँ। बाकी समस्या बहुत बड़ी है, बाकी समस्या एक पानी की समस्या है। वह विकलांग ही वह चल भी कौन पाए, जो बाकी फैमिली है वह फैमिली अड़े रहे को नहीं। वीडियो है लास्ट तक जरूर देखो। थर की क्या समस्या है? सब पानी की समस्या वो ठाड़ी पानी की समस्या। हाँ जी। तो बस सरपंच जी जब वोट लेना आया हाँ, तो जब थे बोले को नहीं हो कि भाई मारे जी बोलिया साहब, पेड़ का भी हाथ लगा के गया है। कौन लगा के गया? सही राम जी। अच्छा। बोले जीत जाए बोले पानी को साधन कर देंगे बोले। अच्छा। बी के बाद में थे जीतने के बाद में गया कौन के भाई मेरी यह समस्या को बहुत बारी बोल दिया साहब। जना के की बे बोले बजट आओगे जब लगाऊंगा सुनाई कौन करी। काफी कताक दिन हुआ था ना बोलता? मन तो बोला दिन होगा बोलता साहब। पहले भी जो सरपंच जी है थे कई साल उठे रह रहे हो या बताओ? मन तो बोली साल हो गए, कम से कम 30-35 साल हो गए। जब थान 30-35 साल होगी तो या 30-35 साल हुई थरी या समस्या? हाँ या समस्या आ रही है साहब, बीच में पानी आतो पाइपलाइन भी खुदवाई ही, फिर बीच में आतो फिर वापस खराब होगी जना, वापस आवे को नहीं अब बिल्कुल ही। तो बन बोल देता कि पाइपलाइन है इन्हीं ठीक करवा दो, हमारा पानी तो खराब। बहुत बारी बोल दिया साहब, सुनाई कौन करी। अपंग आदमी भी स्कूल वाला कुआं से पानी लेके आऊं जी है ना, सर पर मेरे से चल गए या बताओ थे बताओ? नहीं सिर पर कौन चल रहा है, देखो आके हालत देख रहे हो, आपको एक पैर है यो तो बिल्कुल भी काम कौन करे, और जो एक पैर है अभी ये विकलांग ही कतिक तो दूर जाके पानी ले आके, भाई एक दिन को काम हो जाए तो लेके भी आ जाए। हाँ। यो तो थारा रोज ना को काम है, रोज की काम है साहब। तो रोज थे लेके आओ, कैसे लेके आओ तो विकलांग हो ना? मैं तो ऐसा सिर पर लेके आऊ एक गड़ो एक गड़ाउन थोड़ी काम चल रहा थे, चक्कर कर लू साहब वैसे काम चलाऊ मैं तो कुछ पी लू कुछ यही काम ना लियो। अच्छा जय की जो अपना विधायक जी ही राजेंद्र जी बम भी बम बातचीत कौन करी के भाई बस को नहीं हुई साहब बातचीत। तो जय थे सरपंच जी ने भी कहो और कोई ग्राम वासियों ने भी कहो कि भाई मेरे घर थन 30-35 साल अड़ी बसया होगी तो थर सरू चोटू या समस्या चल रही है पानी की, तो थे ग्राम वासियों ने भी कहता कि भाई मेरी ये पानी की समस्या है जी, वादो करया है टंकी बनवा देंगे, अभी तक कौन बनी साहब टंकी? कई साल पहले वादों करे हुए हो? 10 साल पहले। अच्छा 10 साल हो गए अभी तक। हाँ। वो मतलब दूसरा सरपंच भी आ गया? हाँ, दूसरा सरपंच भी आ गया साहब, अभी तक टंकी कौन बनी है? जय भी देख सको ये बलवीर जी ही आके अति बुरी हालत खराब है, क्या जो परिवार वाला ही वह तो ठेरी को नहीं, जो केवल ये अकेला रही और ये भी अपंग ही लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर है, पर ये विकलांग आदमी कैसे दो दो गड़ा एक गड़ो 2-3 बार चक्कर कर रही, क्योंकि एक गड़ाऊ तो आपको पीन पीन को ही चल रहा है। और आप बात करें ये इतना गरीब ही कि बेचारा खुद भी आपके बजटू कोई टंकी कौन बना सके, क्योंकि खुद का बजटू टंकी बना ली जा तो बाद में कोई का आगे हाथी कौन जोड़ना पड़े। तो अन जब पत्तो लागे हो कि आगे पानी की कमी है, ये भी आकी सहायता करना चाहे ही, तो भैया हाँ सब बात है तो जल भी ना जीवन तो आत को ना सही बात, और समस्या इतनी भारी हो रही है बेचारा विकलांग आदमी का कि गांव में 600-500 मीटर दूर में पानी ले आए, सरपंच रोज रोतो फिरा गलिया गले का मायर की भाई पानी लगवा दो पानी लगाओ, बड़ा जमींदार है पंच है कोई भी कोई सुविधा को नहीं आते हैं भाई की, तो आपने तो यो मारो काम यो बने कि भाई ने मैं थोड़ा बहुत चंदो करके दे तो भी कोने को काम, तो क्यों बजट भारी रह गए हो और जो मैं सरपंच ने कहा वो गए हमारा बजट को नहीं हो, वादा जो करे अभी तक हमारा पूरा हुआ को नहीं, अभी विकलांग आदमी कट जाओगे थे खुद बता दो। तो यह चीज है कि भाई का दो मना का मायन पानी लगवा देना सरपंच जी, तो मैं तो बढ़िया मानना नहीं सुसाइड कर लो कार नौबतिया होगी हाल फिलहाल की जरूरत कटे है, मैंने बताओ सरपंच ने सारो देना चाहे पंचायत है, पंचायत में ग्राम सेवक है थोड़ा बहुत सारो दे राशन आ ये मांग के खाओ, सुबह जाके घर घर झाड़ू लगा के ले आओ, मनिया बताओ ये कमाई। अच्छा, ये झाड़ू लगा के फिर आपको पेट भर रहा है, अगर 2-3 जानवर है बावड़ा बन भी पानी है ना खेल पर ले जाके पिया के ले रहा है, इतनी मुसीबत अन के जी। यो वार्ड कौन सो है? वार्ड नंबर 8 वार्ड है, और ये वार्ड नंबर 2 के टच में है, 2 के टच में मतलब वार्ड नंबर 2 के नजदीक में 8 आता है पास में, जाखल रोड बाईपास है ना उसके पास में घर है। हाँ हाँ। और इस पे समस्या भारी है पानी की, ये समाधान हो जाना चाहिए, और एक ही घर है हमारी वाल्मीकियों का लेकिन इनकी कोई केयर नहीं है फिलहाल तो। और फिर मेन बात यह भी तो है ना आपका परिवार वाला कौन रही भाई, परिवार रहे तो चलो कि भाई तो सही ही तो बढ़िया ही, तो अपन आदमी कठे कठे घूमेंगे आऊं तो आकी रोटी रोजी रोटी चलाना भी आका तो मुश्किल काम हो रहे, बहुत भारी समस्या साहब आका तो
क्योंकि अब्बा का भाई ही दो भाई ही बाप का टावरान पढ़ान लिखान खातर मजदूरी तो करनी पड़ सी। वो भाई विकलांग है, वो पढ़े लिखे होने लेकिन आपको पेट भर रहे हो कैसे भी करके, लेकिन इन समस्या मेन पानी की है। एक आदि कोई सरपंच को तो ये बना रहे कि भाई गरीब आदमी गांव को बना के एक आदि टपरी बनवा दे, लेकिन ये के लिए तो कोई सहयोग को नहीं, आज तक दुखी हुआ है आदमी। और वहीं की देखा देखो भाई रोज की रोज ये की कहेगा पग पकड़ता लेगा, रोज रोज की रोज की जा जाऊंगा, लोग ही भी हम शायद परेशान हो रहे हैं तभी तो बकरवा रहे कुनी जी। हाँ जी यही है साहब, परेशान तो हाँ हो रहे हैं साहब, बहुत ठाडी परेशानी पानी की। जो मेरे पीछे ही थे देख रहे हो आसपास में जो घर ही ये आका को नहीं, आका कन तो एक रूम है वो भी आपकी मेहनत बेरो ना कहीं करवा रखियो है, ये कहीं आपकी मेहनत कहीं सी करवायो है, और ऊपर टेंट डाल रखी, और यही मेरे पीछे ही थे देख रहे हो जा यही दो तीन घड़ा रख रखे हैं, जो यह घड़ा सुबह भर लिया ही शाम की खत्म हो जाए ही शाम की, और जो बरकी लाता हो सी, और भाई रोज की रोज भरवाऊंगा तो भी किकनों भरवाऊंगा, आजकल कोई कन टाइम भी को नहीं, और टाइम है तो भी कोई कौन बरकी दे, और ये विकलांग आदमी ही एक गडोलियाँ भी दो गडोलियाँ भी ऐ तो आपको ना भाई सही ही सही शरीर हो है तो आप दो चक्कर को नहीं पाँच चक्कर भी काट सका हाँ। अन्य देवी देवता मंदिर है बाकी अगर भोग में ना देवता उदास हो जाए तो पानी को बन भी कड़ी से मिल रही को न इतनी ठंडी समय जाके देवता भी पानी से परेशान है तो। जी ये बात तो सही है ते हाँ। सही बोल रहे हो कि जब आप घरा भी एक दिन भी खाली को नहीं, जो कलश हुआ है बिन खाली कौन सा वो खाली रखे हो या देखो अब बेचारा के एकरी पानी ल्या कौन सके है तो परेशान हो रहे, पानी बिना कैसे भरा साफ, पानी बिना भरे जाओ, पानी हो जाए भी तो भरे जाओ कलश भी। तो जिया की थारा परिवार वाला लोग ही बैठे रही बेबी हरियाणा में रह साहब। अच्छा ते एक को एक आदमी रोट हाँ। तो फिर ते एक का एक इजा अकेला जो ये मकान ही थारू मकान तो एक है पर आसपास में मकान ही हम केवल ये बाया का ही साहब, पानी बिना दुखी हो के लाए वे भी तो दूसरी जगह कमावे साहब, पानी नहीं है जन पूरे पीवी खावे। अच्छा भाई पानी में दुखी हो की जाए की ये बता रहे हैं की आका भाई भी पानी में दुखी हो की भाई आपकी मजूरी करने हरियाणा का अंदर नारनौल में रही बैठे रही और बड़े ही मजूरी करी ही क्योंकि आका घरा पानी भी को नहीं। हाँ जी सरपंच ये निविदान है मेरा तो हाथ जोड़ के मेरे तो घरा पानी को साधन कराओ साहब जी, मैं चाहे 15 दिन क्यों मैंने भी वो कर लूंगा इंतजार, लेकिन पानी को साधन जरूर करा दियो साहब जी। 15-20 दिन तो चलो कि भाई कागज पाल रहा टाइम लग जाए पर एक मनो इंतजार अता दिन ही थे परेशान हो लिया तो थोड़ा और हो की और के थोड़ा और हो लेंगे सरपंच जी, पानी को साधन जरूर करा दियो साहब। सरपंच जी साहब आपका घरा तो बढ़िया तरीका से रेवी साहब जी, बतो रवी रवि मारा घरा तो देखो पानी की बड़ी दुखिया जी है ना, पानी बिना तो कुछ ही को नहीं है ना। अरे मारो इतने काम कौन करेंगे जना क्या का सरपंच जी साहब, मारी तो हाथ जोड़ के सरपंच जी यही रिक्वेस्ट है कि भाई ए कोई का अगर हाथ तो फैला रहा है कोनी, अगर पानी की समस्या है जो यान 35 साल होगी अड़े बसया और अगर पानी की आज तक समस्या चल रही है 35 साल पहले अलग टाइम हो अब तो अलग टाइम है। ई वीडियो के बारे में थारा कसा सुझाव ही कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो लाइक करो शेयर करो, आम आदमी ही हर लोग तक पूछे कि अगर पानी की सौ बड़ी समस्या आ रही है, और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद जय झुंझुनू।